चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का आपको रासायनिक अभिक्रिया का ये जो आपका इक्वेशन है, कल बताए थे हम लोगों की कि रासायनिक अभिक्रिया मुक्ता एक होता आपका संयोजन, एक होता आपका वियोजन, एक होता एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, अवक्षेपण और ऑक्सीकरण। इसी में से क्वेश्चन अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ सकता है इसमें से, तो ठीक ना हम लोग क्या करेंगे कि इसको आसानी से हम लोग पकड़ने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक ना। इसको यहाँ तक अभी हम लोग तीन को छोड़ देते हैं, ठीक, ये तीन है ना, क्योंकि इसमें तीनों में तीनों देखिएगा ऑक्सीजन का संयोग है, ठीक ना। तो इसका इसको अब लास्ट में हम लोग देखेंगे और यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये भी मेरा क्या है, तत्व है, कि ये तत्व है, अणु है या परमाणु है आपका। तो देखिए यहाँ पे सिंगल रूप में है तो क्या हो जाएगा आपका, परमाणु। सल्फर लोहा का भी परमाणु आपका और सल्फर का भी परमाणु है, तो दोनों परमाणु और परमाणु मिल करके अणु का निर्माण कर रहा है यहाँ पे, ठीक ना। अगर कोई छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण कर रहा तो वो क्या हो जाएगा आपका, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण या तो संयोजन अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन, या तो बोलेगा आपका कि Fe प्लस S, FeS जो बना है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया आपका, या तो एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, संयोजन है, इसमें से कोई नहीं, इस तरह से देख सकता। तो मिल करके बनेगा तो क्या कहलाएगा आपका, संयोजन। आपको देखना है, ठीक ना। इसमें देखेंगे अगला देखेंगे, फिर ये भी ऑक्सीजन का आ गया, इसको देख लेते एक बार यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO है, ऑक्सीजन से क्या कर रहा है आपका, संयोग कर रहा। तो देखिए यहाँ पे ये बना क्या आपका CO2, तो क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। इसको खाली सा लिख देता है, ठीक, समझ जाएगा आप लोग। फिर देखिए यहाँ पे SO2 आपका है और क्या है आपका, O2 है, तो ये दोनों मिल करके बना है क्या SO3, ये क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया, ठीक, यहाँ तक। फिर देखिए आगे हम लोग देखेंगे चौथे नंबर में कैल्शियम ऑक्साइड आपका और H2O दोनों मिल कर करके, देखिए आयन का ट्रांसफर हो रहा है इसमें, नहीं ना, सीधे सीधे क्या कर रहा, एक नया बना रहा आपका, क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। फिर देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 दोनों मिल करके क्या बना रहा आपका, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, इसको बाद में बताएंगे, इसको रुक जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, SO3 प्लस H2A मिल करके क्या बना रहा आपका, H2SO4, ये क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला मेरा बड़ा वाला है, सिंगल साइड में है और टूट करके छोटे छोटे भाग में बट रहा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, वियोजन अभिक्रिया। टूट करके बनेगा वियोजन, मिल करके बनेगा संयोजन, वियोजन अभिक्रिया। फिर देखिए यहाँ पे 2KCl3 आपका है, ये बड़ा मेरा परमाणु है, सॉरी बड़ा अणु मेरा है, और या तो यौगिक भी बोल सकते हैं, अणु भी बोल सकते हैं और यौगिक बोल सकते हैं। तो ये टूट करके छोटे छोटे भागों में क्या हो गया आपका, बट गया, ये क्या कहलाएगा आपका, वियोजन, 20 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे FeSO4 प्लस 7H2O, ये जंग का सूत्र होता है, ठीक ना। या तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम आप देखिएगा FeSO4 है, इन दो 7H2O है, मतलब कि FeSO4 में 7 को क्या है H2O, तो ये क्या आपका गुना में है, तो ये टूट करके छोटे छोटे भागों में क्या होगा आपका, FeSO4 प्लस 7H2O, ये क्या कहलाएगा आपका, वियोजन, टूट करके बना ना। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे FeSO4 है, Fe2, SO3 और SO3, ये भी क्या हो जाएगा आपका, वियोजन। फिर देखिए यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 है आपका, इसमें थोड़ा देखिएगा ये जो है जो बाहर निकल गया आपका, उठा के फेंक दिया इसको, और इसको क्या किया है, Fe को SO4 के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो ट्रांसफर होगा क्या हो रहा है, एक ही को ट्रांसफर हो रहा है आपका, इसका इसके साथ ही ये क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब ए को जुटेगा तो क्या कहलाएगा आपका, एकल विस्थापन, कौन सा, एकल विस्थापन, समझ आ रहा है ना, एकल विस्थापन। फिर देखेंगे हम लोग CU है आपका, AgNO3 है, और CU क्या कर रहा है, नाइट्रेट से अभिक्रिया कर रहा है आपका, ठीक ना, करा तो रहे हैं कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, लेकिन यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्म क्या हो रहा है, इसका ट्रांसफर हो रहा है आपका, ट्रांसफर हो रहा है, क्या बन रहा है, CuNO3 के होल्डर बन रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, और जो AG है उसको बाहर निकाल रहा है आपका, क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन।
कौन सा विस्थापन? एकल विस्थापन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जेडन को सी यू एस ओ फोर के साथ अभी क्रिया कर रहा है, तो क्या हमारा जेडन एस ओ फोर प्लस सी यू, तो इसका जो एस ओ फोर है आपका जेडन के साथ क्या हो रहा है आपका मिल रहा है, तो जेडन एस ओ फोर बना दिया, ये भी क्या हो जाएगा आपका एकल विस्थापन आपका। फिर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में एन ए बी आर, देखिए यहाँ पे इसका प्लस इसका माइनस है, इसमें सिर्फ क्या है माइनस है, क्योंकि देखिए हम कैसे बोलते हैं कि नेगेटिव कैसे पॉजिटिव होगा, तो देखिएगा जिसका बॉटम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है हमेशा विद्युत धनात्मक होता है, और जिसके बॉटम कक्षा में कितना पाँच छः सात इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है हमेशा विद्युत ऋणात्मक। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका संयोग एन ए जो संयोग कर रहा है किससे सी एल टू से, तो एन ए सी एल टू बना दिया, अब बी आर को क्या कर रहा है बाहर भेज रहा है, देखिए नेगेटिव अकेला था ठीक ना, नेगेटिव क्या था यहाँ पे अकेला, तो नेगेटिव वाला को मिला लिया, अभी नेगेटिव को क्या कर दिया बाहर की ओर रास्ता नाप दिया इसका, अब रास्ता नाप दिया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें जो आयन का ट्रांसफर हुआ कितना हुआ आपका एक ही हुआ, तो एक आयन है तो एक आयन का ट्रांसफर हुआ आपका, तो ये क्या कहलाएगा आपका एकल विस्थापन, कौन सा विस्थापन एकल विस्थापन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में पोटेशियम आयोडाइड आपका है सी एल टू से, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये आपका है, क्लोरीन हमेशा क्या होता है विद्युत ऋणात्मक होता है आपका, तो देखिए यहाँ पे जब इसको रिएक्शन कर रहा है आपका तो आई के बाहर भेज रहा है और सी एल को क्या कर रहा है मिला रहा है अपने साथ में, ये क्या कहलाएगा आपका एकल विस्थापन ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे जेड एन है और एच टू एस ओ फोर है, तो देखिए यहाँ पे जेड एन प्लस और एच प्लस एस ओ फोर क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो देखिए हाइड्रोजन जो है ना कभी ऋणात्मक का भी काम करता है कभी धनात्मक का भी काम करता है, ये दोनों का काम करेगा आपका ना, क्योंकि ये विद्युत नहीं धनात्मक है ना ही विद्युत ऋणात्मक है, ये क्या है एक तरह का गैस है, क्योंकि इसके बॉटम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करता है कभी कभी किसी से इलेक्ट्रॉन को साझा भी कर लेता है ये ठीक ना, तीनों का तीनों काम कर लेता है ये, साझा भी करता है त्याग भी करता है और ग्रहण भी करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जेड एन है एस ओ फोर से रिएक्शन करेगा एच टू को बाहर निकाल देगा, क्या हो जाएगा आपका एकल विस्थापन, जेड एन है एच सी एल जेड एन सी एल टू प्लस एच टू, तो देखिए यहाँ पे जेड एन क्या करेगा क्लोरीन से क्रिया कर करके जेड एन सी एल टू बना दिया, एच टू को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया एकल विस्थापन। जेड एन है एच थ्री पी ओ फोर है आपका, जेड एन क्या करेगा पी ओ फोर से रिएक्शन करेगा एच थ्री पी ओ फोर से रिएक्शन करेगा, जिसमें से पी ओ फोर जो आयन है आपका ऋणात्मक आयन है उसके साथ में मिल कर करके जेड एन थ्री पी ओ फोर होल्ड बनाएगा प्लस एच टू, एच टू बाहर निकालेगा और ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या करेगा आपका एकल विस्थापन, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके साथ में ठीक ना इसके साथ में ये तो जुड़ रहा लेकिन इसको और जोड़ने के लिए इसमें ऋणात्मक नहीं है तो इसलिए क्या कहेंगे एकल विस्थापन। फिर देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं 20 से हम लोग, तो देखिए यहाँ पे इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस है अलग अलग इसमें, तो देखिए यहाँ पे धनात्मक क्या करेगा ऋणात्मक से एक्सेप्ट कर रहा है, ये धनात्मक है क्या इससे रिएक्ट कर रहा, तो इसमें इसमें जो आयन का ट्रांसफर हो रहा है देखिए यहाँ पे इसका वाला जो था एन ए एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करके क्या अलग कर दिया, तो एक आयन ट्रांसफर कर दिया, इसका जो आयन किसके साथ हो गया इसके साथ ट्रांसफर हो गया आपका ठीक ना, लेकिन इसका वाला जो ऋणायन है इसमें ट्रांसफर हो गया आपका, तो देखिए दोनों अलग अलग बना लिया योगिक, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे द्वि विस्थापन बोलेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया। आगे में देखेंगे हम लोग बी एस सी एल टू एन ए टू एस ओ फोर है आपका, अब देखेंगे इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस, बी ए रिएक्शन करेगा इस बी एस सी एल टू रिएक्शन करेगा एन ए टू एस ओ फोर से, जिसमें से एन ए टू एस ओ फोर का जो ऋणायन है बी ए से क्या करेगा कंबाइन कर करके बी एस ओ फोर का रिएक्शन कर लेगा आपका ठीक ना, और फिर देखिए यहाँ पे एन ए टू है वो सोडियम है क्लोरीन से रिएक्शन करके एन ए सी एल बना लेगा, तो क्या हो जाएगा आपका द्वि विस्थापन, कौन सा विस्थापन द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक कोई किन्हीं कोई दिक्कत है जल्दी बोलिए। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 एफ यहाँ पे है प्लस में एस का है माइनस में एच टू प्लस में एच टू प्लस में एस माइनस में, तो एफ क्या करेगा एस ओ फोर से रिएक्शन करेगा एफ एस ओ फोर बना लिया, एच टू क्या करेगा एस से रिएक्शन करेगा आपका एच टू एस बना दिया, क्या हो जाएगा आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया। फिर देखेंगे हम लोग सी यू एस ओ फोर है एच टू एस से रिएक्शन कर रहा है आपका,
सी यू सल्फर सी रिएक्शन करे एस सी यू एस फॉर सी यू एस बनाएगा आपका, तो एस क्या करेगा सी यू एस बना दिया कॉपर सल्फेट सल्फाइड सॉरी कॉपर सल्फाइड। अब देखिए यहाँ पे और जो एच टू है एस ओ फोर से करेगा तो एच टू एस ओ फोर बना लीजिए आपका, तो ये क्या कहलाएगा आपका द्वि विस्थापन। फिर देखेंगे पी बी एन ओ थ्री लेड नाइट्रेट है आपका पोटेशियम आयोडेट से रिएक्शन कर रहा प्लस माइनस प्लस माइनस, पी बी क्या करेगा आयोडेट से रिएक्शन करके पी बी आई टू बना लेगा आपका। के है आपका के से रिएक्शन करेगा किस में एन ओ थ्री से तो पोटेशियम नाइट्रेट बना जाएगा आपका। तो दो इसमें जो देख रहे हैं हम लोग आयनों का ट्रांसफर हो रहा कितना दो की मात्रा में, और दो की मात्रा में होगा क्या होगा आपका द्वि विस्थापन। फिर देखिए हम लोग एन ए सी एल है एजनो थ्री है प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखेंगे हम लोग इसमें आयन का ट्रांसफर तो हो रहा AgCl तो बना रहा ठीक ना एनो थ्री, इसका एक और रिएक्शन देखेंगे आप लोग कहीं भाई ये वाला रिएक्शन सेम है ठीक ना द्वि विस्थापन तो होगा। तो हम बताए थे कल कि हमेशा जो अभिक्षेपण अभिक्रिया होता है हमेशा क्या होगा द्वि विस्थापन होता है ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लेकिन हम तीर के निशान इसको देखेंगे ठीक ना, तीर के निशान रहेगा क्या हो जाएगा आपका अभिक्षेपण, कौन सा अभिक्षेपण अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया अभिक्षेपण अभिक्रिया। अब यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है तो बोलिए, अगर दिक्कत है तो फिर से बताते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, हम एक बात और जानते हैं कि अम्ल और भस्म से अभिक्रिया सॉरी अम्ल और क्षार से अभिक्रिया अब देखिए यहाँ पे अम्ल और अम्ल और क्षार का जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं ठीक ना, किससे अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा क्या बनेगा आपका लवण बनाएगा और जल बनाएगा। अम्ल और क्षार से जब अभिक्रिया करते हम लोग हैं तो हमेशा क्या बनाएगा लवण और जल बनाएगा आपका, याद रखिएगा अम्ल और क्षार। तो देखिए यहाँ पे एच सी एल यहाँ पे मेरा क्या है अम्ल होता है ठीक ना, एच सी एल क्या आपका अम्ल है लेकिन एन ए ओ एच क्या है आपका क्षार है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक ना, ये अम्ल है ये क्षार है। अम्ल और क्षार को जब रिएक्शन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एच टू बना दिया ठीक, और एन ए सी एल क्या है मेरा लवण है ठीक ना, जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा लवण और जल बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रिएक्शन का लवण और क्षार का निर्माण करता है उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण, क्या बोलते हैं उदासीनीकरण। आगे देखेंगे हम लोग एच टू ओ सो फोर क्या मेरा अम्ल, के ओ एच क्या है क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार को रिएक्शन करते हैं तो एच टू ओ बना बल्का क्या जल, और के टू ओ सो फोर क्या आपका लवण। तो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा लवण और जल का निर्माण करेगा, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा आपका उदासीनीकरण, क्या कहलाएगा आपका उदासीनीकरण। तो अब मिटा देंगे तो बना लीजिएगा आप लोग, जल्दी बोलिए मिटा देंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा, चलिए मिटा रहे हैं सच में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी तत्व में हम लोग ठीक ना, अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग करेंगे किसको कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं संयोग कर रहे हैं तो क्या कर बनेगा आपका कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन संयोग कर रहा तो अभिक्रिया क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण, क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। जब किसी तत्व से ऑक्सीजन का सीधा संयोग होगा क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। अगर जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग होगा, देखिए CO2 है आपका इसको तोड़ रहे हैं क्या बनेगा कार्बन प्लस O2 बनेगा आपका ठीक ना। तो ऑक्सीजन का टूटना, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण कहलाएगा आपका,
क्या कहलाएगा आपका? अवकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण, ठीक ना? हो गया यहाँ तक? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हटना सटना, हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अगर सटेगा तो ऑक्सीकरण होगा, अगर हाइड्रोजन हटेगा तो अवकरण होगा, अगर ऑक्सीजन सटेगा, देखिए यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन सटेगा तो अवकरण होगा, उल्टा होगा, हाइड्रोजन अगर सटेगा तो क्या हो जाएगा? अवकरण। अगर हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक ना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सटेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरण, हाइड्रोजन अगर सटेगा तो अवकरण, हाइड्रोजन अगर हटेगा तो ऑक्सीकरण, ठीक ना? अब देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर सटा रहे सट रहा है आपका, तो सटने के बाद क्या जाएगा आपका? ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सट रहा और सटेगा तो क्या हो जाएगा? अवकरण। सटेगा तो अवकरण, ये क्या हो जाएगा आपका? अवकरण। फिर देखेंगे हम लोग कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर, ठीक ना, और H2 है, तो देखिए यहाँ पे अब बोलेगा कि निम्न में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है। ये क्वेश्चन अलग से बनेगा कि CuO प्लस H2 जो रिएक्ट कर रहा है आपका, Cu प्लस H2O बना रहा है आपका, Cu प्लस H2O बना रहा है, तो निम्न में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कॉपर कॉपर ऑक्साइड है आपका, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, ठीक ना? कॉपर से क्या होगा? ऑक्सीजन हट रहा, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा आपका? अवकरण। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा आपका? तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा, कॉपर का क्या हो रहा है? अवकरण, ठीक ना? और जो आपका ऑक्सीजन है जो जुड़ रहा है किससे? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है तो अवकरण, और ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से क्या हो रहा, तो ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण, किसका अवकरण हो रहा? तो कॉपर का क्या हो रहा? अवकरण हो रहा। हाइड्रोजन का क्या हो रहा? ऑक्सीकरण। नहीं, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है ना, हाँ, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का सटना ना, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन सट रहा, सटेगा जो सटेगा ना वो पीछे रहेगा। फिर देखेंगे हम लोग H2Cl2, H2S है आपका, यहाँ पे क्या आपका? Cl2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H2S जो है इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका? हट रहा, हाइड्रोजन हट रहा ना, तो हाइड्रोजन हटेगा तो क्या कहलाएगा आपका? सल्फर का यहाँ पे क्या हो रहा? सल्फर का ऑक्सीकरण होगा आपका, हो रहा। सल्फर से हाइड्रोजन जब हट रहा है तो सल्फर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का सटना अवकरण। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन में क्या हो रहा है आपका? हाइड्रोजन सट रहा, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है आपका? अवकरण हो रहा, ठीक ना? क्या हो रहा आपका? अवकरण हो रहा। अगर देखेंगे हम लोग ZnO है, कार्बन है, अब जिंक ऑक्साइड जो मेरा यहाँ पे है, तो जिंक ऑक्साइड से जी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है आपका, जिंक अकेला रह गया ना, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया बाहर, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है आपका? अवकरण या ऑक्सीकरण? अवकरण ना, ऑक्सीजन का निकल क्या क्या कर आपका? तो जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा? जिंक का अवकरण, जिंक का क्या हो रहा? अवकरण। अब देखिए कार्बन का क्या हो रहा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा आपका? जुड़ रहा, तो ऑक्सीजन का क्या होना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो कार्बन का क्या होगा आपका? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा? कार्बन का। और जिंक का क्या हो रहा आपका? अवकरण, ठीक ना? फिर देखेंगे हम लोग PbO, तो मतलब कि लेड ऑक्साइड आपका है, PbO है आपका, इसको कार्बन से क्या कर रहा, संयोग कर रहा, तो जब PbO है कार्बन से संयोग कर रहा, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा आपका? हट रहा, हटा, और हटेगा तो क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीकरण, सॉरी हटेगा तो क्या कहलाएगा आपका? अवकरण। हटेगा तो अवकरण। और देखिए ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है आपका?
कार्बन के साथ में इसका क्या हो जाएगा, कार्बन का, कार्बन का ऑक्सीकरण। समझ रहा है? आगे देखेंगे हम लोग। ये जो मेरा चीनी का मेन सूत्र क्या होता, चीनी का C12H22O11C12H22O11 ये चीनी है, ठीक ना। चीनी का सूत्र हमेशा पूछता कि चीनी का सूत्र क्या होता, तो चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11। अब देखिए यहाँ पे इसी चीनी को तोड़ कर करके आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का निर्माण करता है। किसका? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का। चीनी टूटता है तो क्या बनेगा आपका? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का भी सूत्र वही होगा और फ्रैक्टोज का भी सूत्र क्या होगा आपका? एक ही होगा, नाम अलग अलग होगा, देखिए ठीक ना, नाम क्या होगा? अलग अलग। C6H12O6। तो ग्लूकोज का भी सूत्र कितना? C6H12O6। और फ्रैक्टोज का भी सूत्र कितना? C6H12O6। अब देखिए यहाँ पे सूत्र जब एक ही है तो नाम कहाँ अलग है, ठीक ना। सूत्र जब एक ही है तो नाम क्यों अलग है? तो देखिए इसके गुण के आधार पे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बांटा गया है। ग्लूकोज ज़्यादा मीठा होता है, ठीक, और फ्रैक्टोज कम मीठा होता है। इसी गुण के आधार पे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का अलग नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जब ग्लूकोज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं अपने शरीर में तो जब श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन करते हैं ना, ऐसा क्या कारण है कि जब हम लोग खेल उल के आते हैं तो ग्लूकोज, या तो गर्मी के दिन में मौसम के टाइम में क्या हुआ, बाहर से आए खेल के, या तो बड़ी दूर से हम पैदल आए हैं, तो बोला जाता है ना कि ग्लूकोज थोड़ा पी लो, थोड़ा राहत मिलेगा, ठंडा शरीर हो जाएगा, ठीक ना, या तो एनर्जी बन जाएगा। ऐसा क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं ना शरीर में, तो ऑक्सीजन सांस के द्वारा क्या होता है, अंदर की ओर जाता है। तो अंदर की ओर जब ऑक्सीजन जाएगा, ठीक ना, तो सबसे पहले क्या बनाएगा आपका? ऊर्जा बनाता है। तो इसलिए ऊर्जा से हम लोग क्या मिलता है? शक्ति मिलता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा आपका? ऊर्जा बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा बनाया तो उसके साथ में क्या बनाता है आपका? जल भी बनाता है। ऊर्जा के साथ साथ क्या बनाएगा आपका? जल। क्योंकि शरीर में नमी की मात्रा क्या हो जाता है? कम जाता है। क्योंकि गर्मी के दिन में जब हम लोग खेल के आते हैं तो नमी की मात्रा क्या हो जाता है? कम जाता है। इसलिए ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा ही प्रदान करता है और जल ही प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही गर्मी के दिन में हम लोग जाते होंगे बाहर खेलते हुए, तो ओट फूट पूरा सूख जाता होगा, ठीक ना। ओट जब सूख जाता है, कंटूट सब पूरा सूख जाता है, और ग्लूकोज तुरंत लेंगे, ग्लूकोज लेंगे तो जल की मात्रा पूरा हो जाएगा आपका और ऊर्जा की मात्रा पूरा हो जाएगा आपका। और उसके पास बाद जो वेस्टेज बनेगा आपका वो CO2 बनेगा आपका, और CO2 बाहर रिलीज होता है, हो गया।